वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ कार्स एंड बाइक्स में, और आज हम सिर्फ बाइक्स ही नहीं, क्योंकि बहुत बार आप लोग कमेंट्स करते थे कि भाई कार्स एंड बाइक्स लिखा हुआ बट कार्स नहीं दिखती, बाइक्स दिखती। तो आज आपको एक कार्स भी दिखाएंगे, और कार जो दिखती है ना भाई, वो भाई देखने लायक भी होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हो। वहाँ अगर फॉलो करे हुए तो पहले कुछ ना कुछ मेरे फोटोज़ आते हैं, या फिर मतलब जो वीडियो आने वाले उसका अपडेट मिल जाता है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो किया करो। या फिर कोई क्वेश्चन है तो भी मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कार्स एंड बाइक से, मिस्टर अमृत भाई से। नमस्कार सर, कैसे आप बताइए? सर चल रहा है, हम लोगों का दुआ से। ओके, हम सबकी दुआ है आपके साथ। तो कार्स एंड बाइक्स में हम बाइक्स ही बेसिकली देखते हैं। सो आज हम एक कार्स दिखा रहे हो, सो आज क्यों दिखा रहे हो और कार है क्या? सर देखिए, हम लोग के पास जो भी गाड़ियाँ आती है वो सारी बहुत ही स्पेशल गाड़ी है, ठीक है, जो मतलब अभी 18 का शेप में चल रही है। अच्छा, तो इसमें फेसलिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, ये 2012 की मॉडल है। तो भाई ये जो कार है बड़ा ही स्पेशल है। हाँ एकदम स्पेशल, इसलिए है क्योंकि अगर आप सामने से देख रहे होगे तो ये कार आपको लग रही होगी न्यू शेप, एकदम 2018 की मॉडल, 18 की मॉडल लगेगी, बट एक्चुअल में है ये 2012 की ओल्ड शेप, ओल्ड शेप है, इसको न्यू शेप बनाया गया। तो इसमें क्या क्या काम करवाया गया वेंटो, वो आप बता दो आप। सर इसमें मतलब पूरा कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। ओके, मेनली और जो भी हुआ है सारा वर्कशॉप से हुआ है। अच्छा, ऑथराइज वर्कशॉप ऑफ VW, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से सिर्फ दिख रहा है ऐसा है, अंदर से भी ये गाड़ी पूरा फिट है, पूरा फिट फाइन गाड़ी है, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन है, गाड़ी फर्स्ट ओनर का नाम से है, गाड़ी हम लोग का नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है फॉर द सेफ्टी ऑफ द कार, ठीक है। ये गाड़ी भाई, ये जो मैंने अम्मी भाई इसमें क्रोमिंग का देख रहा हूँ ना, पीछे का और आगे का जो क्रोमिंग किया हुआ है वो मतलब फर्स्ट क्लास लग रही है। जी सर, ये पूरा कंपनी से ही बना हुआ है, पूरा कंपनी से, लोकल कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो साउंड सिस्टम है वो भी 25,000 का आती है। अच्छा, वो भी अभी हमने डाली है। अच्छा, अभी अभी दे रही है 2020 में जो गाड़ी दे रही है वो हमने डाली है। फिर सर हम लोग का चारों अपोलो टायर्स नया है। अच्छा, ठीक है, गाड़ी का पूरा सस्पेंशन शॉकर सेटअप में कोई हाथ लगाने का कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक चीज बोल सकते हैं कि अगर ये जो कार में जब कोई आता है ना तो उसको लगेगा नहीं कि 2012 की है। नहीं नहीं, पूरी एकदम सब कुछ सही है गाड़ी में। ओके, तो और क्या क्या अंदर का बात बता दो थोड़ा, अंदर में क्या है? सर इंजन इसका 1.6 हाईलाइन TDI इंजन है। हाईलाइन है भाई, मतलब ये सुन लो, ट्रेड लाइन, कंफर्ट लाइन और हाई लाइन होती है, तो ये सबसे ऊपर वाली होती है, सुपर वेरिएंट है, वेरिएंट स्टीयरिंग कंट्रोल का साथ में, इसमें एयरबैग्स है, ABS है। अच्छा, सब कुछ है गाड़ी में, फुल्ली लोडेड है। अच्छा, ठीक है, और गाड़ी का सिर्फ 37,000 के आसपास चली हुई है। ओके, और गाड़ी क्रिस्टाइन है सर, मतलब गाड़ी का माइलेज से आप बात करो, इतनी बात करो, क्रिस्टाइन है, ये डीजल है। हाँ ये डीजल है भाई, तब तो भाई माइलेज तो बोलो की, और इसका पिकअप जो पकड़ता है ना भाई, खतरनाक वाली पकड़ता है। लेकिन भाई लोग के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भाई लोग सोचते होंगे की 2-2.5 लाख में तो इजिली अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इजिली अवेलेबल है। मैं खुद आपसे पूछूंगा की 2-2.5 लाख में तो भाई हाईलैंड अवेलेबल है मार्केट अवेलेबल, लेकिन आप प्राइस क्या दे रहे हो? वही बोल रहा हूँ सर, ये दूसरी वेंटो की तरह ये है नहीं, ठीक है, ये गाड़ी में ये सामने का बम्पर से पीछे बम्पर, अंदर में इंटीरियर आप देख लो, साउंड सिस्टम देख लो, कुछ भी देख लो, पूरा डैम्पिंग से शुरू करके वारंटी से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ आप क्लियर है गाड़ी। अच्छा, ठीक है सर, वी आर आस्किंग 4 लैक्स, ओनली 4 लैक्स फॉर दिस मॉडल। ओके, पीछे का बम्पर देख लो, पीछे का बैकलाइट, हेडलाइट, कुछ भी आप देख लो, सारा न्यू शेप पे किया हुआ है, पूरा न्यू शेप बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ। और इसका पहले का जो शेप था ये बोनेट भी चेंज किया हुआ है। अच्छा, बोनेट भी चेंज, बोनेट भी फॉर द न्यू शेप, न्यू शेप के लिए। और जो पुराना चीजें है वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है इंटैक्ट। अच्छा, कि आप समझोगे कि नहीं एक्सीडेंट कर गाड़ी है, चेंज करके बेच रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, कुछ नहीं बात। ये हम लोग बनाते हैं ऐसे कि लोग को अफोर्डेबल प्राइस में ऐसा गाड़ी मिले, नया गाड़ी जैसे, और उसको थोड़ा सा जो शौक है भाई ऑलरेडी पूरा करके आप दे देते हो, मतलब आफ्टर मार्केट कराया, कोई अगर चाहे कि भाई मैं न्यू शेप करना चाहता हूँ तो वो भाई बना बनाया रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो दिया हुआ है चक्का भी, जो भी शेप दिया हुआ है, जो भी इसका साइजेस है, ये स्टॉक का हिसाब से हम लोग ने लगाए हैं। अच्छा, अगर आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं वो भी हम लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन वो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आप प्राइस ले रहे हो 4 लाख, तो भाई होगा ही, ऑन द टेबल होगा ही। हमने एक कार को देखा, बहुत अच्छा कार था जो कि वेंटो, और इसके साथ पहला एक बुलेट। अब बाइक की बारी आती है, तो बाइक स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे एक
दमदार बाइक कह सकते हैं। ओके, क्लासिक 350 है, क्लासिक 350, ओके, अराउंड 8000 करीब चला हुआ है। अच्छा, गाड़ी फर्स्ट ओनर की है और सारा चीज अप टू डेट। अच्छा, और हम लोग नेम ट्रांसफर करा के देंगे, चार्जेस जो हो वो आपको देना होगा, वो चार्जेस में, एंड नेगोशिएशंस विल बी ऑन द टेबल। ओके, तो इसका क्या रखने वाले हो आप? सर, वी आर आस्किंग 135, ओके, फॉर दिस मॉडल, बट नेगोशिएशन हो जाएगी टेबल पर। ओके, 2018 की मॉडल है, 17 की लास्ट, 17 की लास्ट फोर की है। अच्छा, प्राइस नहीं कम करोगे तो नेम ट्रांसफर भी करके दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके, अब अंदर चलते हैं, अब बहुत सारी बाइक्स देखते हैं। अंदर का बाइक देखेंगे। अब हम आ गए हैं शोरूम के अंदर और हमारे साथ थे फिर से एक बार अमृत भैया। तो यहाँ पे तो हम पता चलते हैं एक से एक बाइक्स होती है। सो ये डोमिनार है पहले, तो ये इसका क्या डिटेल्स होगा? सर, ये चली हुई है 680 किलोमीटर। अच्छा, ये 19 की लास्ट की बाइक है। बिल्कुल, और ये ग्रीन में इतने लाइट्स लग रही है ना आँखों में, लग रहा है भाई खतरनाक वाली। सर, एकदम नया है सर, कुछ यूज ही नहीं हुआ है। अच्छा, 600 किलोमीटर आई होप आप समझ सकते हैं बस मुश्किल से यहाँ से वहाँ। हाँ, तो फिर गाड़ी यूजी जो अभी अभी का जो मॉडल है वो वाला मॉडल के साथ में है। अच्छा, ठीक है, बहुत ही डिमांडेड मॉडल है। ओके, एंड वी आर आस्किंग 210 फॉर दिस मॉडल एंड लेटर ऑन नेगोशिएशंस ऑन द टेबल। 2017। पूरी एकदम वेल है, एकदम वेल कंडीशन है। चलो बस, तो इसके बगल में के हार्ले डेविडसन की कौन सी होने वाली है? सर, ये है ब्लैक कलर की क्लासिक स्ट्रीट 750 है सर। अच्छा, ठीक है, और कंडीशन बहुत ही सही है। ओके, स्क्रीमिंग एबल का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अच्छा, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, प्लस स्पार्क प्लग्स भी चेंज है इसका। ओके, और थोड़ा बहुत हॉर्न भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, बहुत स्वीट साउंड है। अच्छा, बाकी रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, सही गाड़ी है सर, ले सकते हैं। ओके, तो वी आस्किंग 380 फॉर दिस वन, 380। गाड़ी सिर्फ 2000 समथिंग चली हुई है। अच्छा, एंड वी आर आस्किंग 110 फॉर दिस मॉडल एंड लेटर ऑन नेगोशिएशंस ऑन द टेबल। ओके, 110। अब इसके बगल में एक निंजा है लगी हुई। सर, ये निंजा 650 है, पूरा एडिशन है, तकरीब करीब करीब 13000 चला हुआ है। अच्छा, और गाड़ी बहुत ही फ्रेश कंडीशन पे है, गाड़ी में कुछ बात नहीं है, थोड़ा मतलब जो भी दिख रहा है यहाँ पे बैटरी का डाउन होने का वजह से दिख रहा है। अच्छा, ये बैटरी एसी में सारा बाइक डाउन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज अप टू डेट। वी आर आस्किंग 310 फॉर दिस मॉडल, लेटर ऑन नेगोशिएशन ऑन द टेबल। ओके, अब अगले बाइक्स पे आते हैं जो की है पल्सर RS 200। इसका क्या डिटेल्स होगा येलो कलर की? सर, ये भी ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ में है। अच्छा, ठीक है, और गाड़ी येलो कलर में है, बहुत ही सही सा कलर यंगस्टर लोग के लिए। गाड़ी बहुत ही सही है सर, वी आस्किंग 90,000 फॉर दिस मॉडल। 90,000, और बाकी का जो भी होगा टेबल पर हो जाएगा सर। अच्छा, कंडीशन में कुछ बात नहीं है, पूरा एकदम ओके है भाई, देख के ही लग रही है। सो आप चलते हैं ड्यूक 200 KTM का। सो ये तो भाई बहुत ही मतलब चाहने वाली बाइक्स होती है सबके लिए। सो इसका क्या और डिटेल्स बताओ, कितनी चली होगी? 17 की VS4 मॉडल है। अच्छा, 9000 करीब करीब चली हुई है। ओके, वी आस्किंग 125, बाकी का जो भी होगा ऑन द टेबल। बिल्कुल सही बात। अब चलते हैं, अब एक इंडियन सेगमेंट में आते हैं थोड़ा। अब स्टार्ट करते हैं TVS, मतलब ये बहुत मुश्किल से हमको दिख रहा है आज, बहुत ही कम गाड़ी, बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ड्यूक वगैरह KTM बुलेट ही ज्यादा देखने को मिलती है। सो इसका क्या डिटेल्स होगा? सर, ये 2019 की लास्ट की गाड़ी है। अच्छा, 19 की भी है? हाँ, 19 की लास्ट की गाड़ी है। ओके, चली हुई है सिर्फ 1200 के आसपास। TVS क्या है ये? TVS स्टार सिटी है। स्टार सिटी है, अच्छा, ठीक है, एंड वी आर आस्किंग 63 फॉर दिस मॉडल। 63, हाँ, जो भी होगा सामने सामने हो जाएगा। ओके, अब इसके बगल में R15 है भाई। सर, ये R15 वर्जन S है। अच्छा, स्टाइल भी है, कंफर्टेबल भी है, सब कुछ है, माइलेज भी है। 2019 की है सर, ये भी 19 की, हाँ, लास्ट की गाड़ी है। अच्छा, एंड वी आर आस्किंग 1,20,000 1,20,000। अच्छा, सामने सामने हो जाएगा।
अब एक और ड्यूक 200, एक ब्लैक में थी और ये व्हाइट में। ये भी BS4 2018 की गाड़ी है। ओके, ये आस्किंग 130 फॉर दिस मॉडल। 130 कितना चला हुआ ये? सर ये चली हुई है 13,000 चली हुई। और ये सब फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है। ओके चलिए, अब एक रॉयल एनफील्ड ब्लैक कलर की 350 थंडर बर्ड। हाँ सर, ये 350X मॉडल है सर, 18 की गाड़ी है। ओके, एंड 6,000 के आसपास चली हुई है। अच्छा, कंडीशन कैसा है? कंडीशन सुपर है सर, कंडीशन को लेके कुछ बात नहीं करना होगा। बिल्कुल, कंडीशन पहले, पेपर्स पहले, फिर प्राइस ठीक है। बिल्कुल भाई, ये आपकी इसमें भी एग्जॉस्ट ये कर रहा है? स्टॉक है सर, स्टॉक है पूरा, स्टॉक है। ओके, इसमें सिर्फ विंडशील्ड लगा हुआ एक्स्ट्रा। ओके, और बाकी का पूरा गाड़ी स्टॉक है। स्टॉक है। एंड वी आर आस्किंग 1,65,000 फॉर दिस मॉडल। 1,65,000? तो भाई 1,65,000 में ये थंडरबर्ड भाई बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो लगभग हमने बहुत सारा कलेक्शन देखा और फर्स्ट में मतलब कार्स एंड बाइक्स में अभी तक हमने सिर्फ बाइक्स देखते थे, आज कार भी देख लिया और कार ऐसा देख के भाई कि मज़ा आ गया देख के। मतलब खुद जो क्रोमिंग किया है ना पीछे आगे, लुक बहुत ही बेहतरीन लग रही है। हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि फोक्सवैगन में ही डील करें। तो हम लोग के पास फोक्सवैगन का ही गाड़ियां रहती है, जो एक्सक्लूसिव रहता है। और मैं मतलब कोशिश करूंगा कि एक कार आने वाली है भैया का जेट्टा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। मतलब बहुत सारा कार है, वॉक्सवर में ही डील करते हैं, प्रीमियम क्लास में डील करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कार्स एंड बाइक्स का एड्रेस, नंबर सब कुछ मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।